जय हिंद डियर स्टूडेंट, सम यूनिवर्सल लॉ का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है काइंड ऑफ एनसेंबल। इससे पहले जो लेक्चर किया उसमें हमने बात किया कि एनसेंबल क्या है, और एनसेंबल को बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया कि एनसेंबल क्या है। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। एनसेंबल इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। और उस जो एनसेंबल बना था, उस एनसेंबल को बनाने के लिए जितने भी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट हुए थे या जितने भी सिस्टम से मिलकर वो एनसेंबल बन रहा था, उसके लिए दो बहुत नेसेसरी कंडीशन था। एक था माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल और दूसरा था इंडिपेंडेंट सिस्टम। इन दोनों से मिलकर इंसेंबल बना था, और जो माइक्रोस्कोपिक जो हमारा पैरामीटर था, वो पैरामीटर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल था। और जब हमने दूसरा रिक्वायर्ड कंडीशन देखा था तो वो दूसरा कंडीशन ये था कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि जब इंसेंबल बन रहा है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर, तो एक सिस्टम का असर दूसरे सिस्टम पर नहीं होना चाहिए, दूसरे सिस्टम का सर तीसरे पर, तीसरे का सिस्टम का चौथे पर, मतलब वो नॉन इंट्रैक्टिंग, म्यूचुअली नॉन इंट्रैक्टिंग सिस्टम थे जिससे इंसेंबल बना था। अब देख लेते हैं कि इंसेंबल कितने तरीके के होते हैं। तो इंसेंबल बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम मेनली यहां तीन तरीके पढ़ेंगे इंसेंबल के। और उसमें से पहला है हमारा कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, काइंड ऑफ इंसेंबल मेनली हमने लिख दिया है तीन तरीके से है, वो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, ये पहला आपका इंसेंबल है। कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम, कह रहा है कि हमारे पास बहुत लार्ज नंबर में सिस्टम है जिनको मैं मिलाकर एक इंसेंबल बना रहा हूं, लेकिन उनकी कंडीशन बता रखा है कि एसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए, वो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कोई फर्क ना पड़े। जैसे ये है और इसमें अगर दो मान लो ऐसे सिस्टम है एक इंसेंबल के अंदर, तो इस सिस्टम का प्रेशर इसको इफेक्ट ना डाले, इस सिस्टम का प्रेशर इसको इफेक्ट ना डाले, इस सिस्टम का कोई भी पैरामीटर इसको इफेक्ट नहीं करे, और इस सिस्टम का कोई भी पैरामीटर इसको इफेक्ट ना करे। इस तरीके की जो नेसेसरी कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं एसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम बोलते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यूचुअली नॉन इंट्रैक्टिंग बॉडी जिससे जो सिस्टम होता है उनसे मिलकर इंसेंबल बन रहा है हमारा। तो जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है वो कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम एनर्जी। और उनकी एनर्जी कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जो ये कह रहा है, थोड़ा सा हम उसको करते चल रहे हैं। मेरे पास एक इनसेंबल है, ये एक इनसेंबल है बेटे, ये एक इनसेंबल है, ये एक इनसेंबल है। ये इनसेंबल में कह रहा है कि कैसा कलेक्शन होना चाहिए, किसका कलेक्शन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सिस्टम का होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास इसमें ऐसे इंडिपेंडेंट सिस्टम है, तो ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अगर ये ब्लॉक आपको छोटे बड़े लग रहे होंगे तो आप मान लीजिएगा कि ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां स्केल और सब कुछ लेकर इसको बनाया है। आप इसको ऐसा एज्यूम कर लीजिएगा कि ये इंडिपेंडेंट है, सबका वॉल्यूम और ये सब इक्वल है। ये तो हमने एक इंसेंबल बना दिया, और सपोज कर लेते हैं कि इंसेंबल में 9 सिस्टम है, ऐसा मैंने 9 सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिस्टम है यहां पर। तो एक इंसेंबल लिया, ये क्या है मेरा इनसेंबल है, जो इनसेंबल है जो 9 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन क्या कह रहा है कि इन सिस्टम का कंडीशन क्या होना चाहिए? इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम एनर्जी। सबकी एनर्जी कैसे होनी चाहिए? कह रहा है सेम होना चाहिए एनर्जी सबकी। कैसे होनी चाहिए बेटे? एनर्जी कह रहा है सबकी सेम होनी चाहिए, सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। कह रहा है और कैसे होना चाहिए? जो ये इनसेंबल आप बना रहे हैं, इसमें जो आप सिस्टम लिए हैं, और क्या उसमें होना चाहिए? सेम वॉल्यूम सबका सेम होना चाहिए। कह रहा है कि ये हम वॉल्यूम भी सबका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सबका सेम? वॉल्यूम भी सबका सेम होना चाहिए, वॉल्यूम भी सबका सेम होना चाहिए। बेटे वॉल्यूम भी मैंने क्या कर दिया? सेम कर दिया, सबका वॉल्यूम भी मैंने सेम कर दिया।
कह रहा है कि एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल, और क्या होना चाहिए, सबका सेम नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर कोई सिंबल बनता है, बेटे ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई सिंबल बनता है और उन सिंबल में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सिस्टम आप पार्टिसिपेट कराते हैं, तो उनके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उन सिंबल बनाने के लिए, उनकी एनर्जी शुड मस्ट बी सेम, वॉल्यूम आल्सो एंड नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम। तो हमने जो एनर्जी है ना, एनर्जी को हमने ई से लिखा हुआ है, ई से लिखा हुआ है। वॉल्यूम को किससे लिखा हुआ है बेटे, वॉल्यूम को वी से लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल को हमने कैपिटल एन से लिखा हुआ है, ये चीज है। अब यहां पर ये इंसेंबल तो बन गया, एक सिस्टम है, एक इंसेंबल बना है। इंसेंबल में बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं, इन इन जो इंसेंबल है ना, इन इंसेंबल की कुछ कंडीशन होती हैं। इनके वाल जो होते हैं, इनके जो वाल होते हैं उन पर भी कुछ हम बात कर लें, वाल ऑफ द इंसेंबल पर बात करें। आप देखो बेटा धीरे से, आप ऐसे देखो, सबका वॉल्यूम वी है, सबका वॉल्यूम वी है, वी से आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने बीच का क्वांटिटी लिया, सबका वॉल्यूम वी है। आप बेटे देखो, अगर वॉल्यूम वी है, हर एक सिस्टम का वॉल्यूम वी है और सबके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, एन है, तो अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर दूं, वॉल्यूम सबका अगर वी है, तो मैं इस इंसेंबल के वाल को क्या कर दूं, इंसेंबल के वाल को रिजिड कर दूं, इन इंसेंबल के वाल को क्या कर दूं बेटे, अगर मैं रिजिड कर दूं इन इंसेंबल के वाल को, मैं अगर रिजिड कर दूं, तो क्या एक का वॉल्यूम दूसरे पर इफेक्ट डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमने इसके वाल को क्या कर दिया है बेटे, रिजिड कर दिया है वाल के, क्योंकि इसका वॉल्यूम सबका वी है, वॉल्यूम वी कांस्टेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना इधर ना इधर, इधर किसी एक दूसरे से जा ही नहीं पाएंगे, तो हमने क्या कर दिया है, इसको वाल रिजिड वाल कर दिया है। क्यों रिजिड वाल किया है, इस इंसेंबल का जो वाल है वो रिजिड है, क्यों वो हमने रिजिड किया है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, हर एक सिस्टम का वॉल्यूम क्या है बेटे, कॉन्स्टेंट है। तो हमें पता चल गया कि जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल होता है उसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वॉल ऑफ द इंसेंबल इज रिजिड, ये जो वॉल है इसका वो कैसा है, रिजिड है, इसीलिए इन सब इनका वॉल्यूम भी क्या हो गया होगा, कॉन्स्टेंट हो गया होगा। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, दूसरी कंडीशन देखें, तो हर एक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल देखो एन 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 एन, सबका नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो एन है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो सेम है, ये क्या फिजिक्स एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो ये एक्सप्लेन कर रहा होगा कि रिजिड वाल के होने के साथ साथ, ये रिजिड वाल होने के साथ साथ ये वाल जो है ना इम्परमिएबल होगा, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल इस सिस्टम से निकलकर इधर भी नहीं आ सकता है, इधर से निकलकर इधर भी नहीं आ सकता है, इधर से निकलकर इधर नहीं आ सकता है, इधर से निकलकर इधर नहीं आ सकता है, यानी जिस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल है उसी सिस्टम में रहेगा, वो मॉलिक्यूल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं जाएगा। इसका मतलब वाल ऑफ इंसेंबल इंसेंबल इज इम इम परमिएबल, ये जो हम बता रहे हैं ना प्रॉपर्टी इंसेंबल के वाल की, ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। तो कोई भी मॉलिक्यूल इधर से उधर, एक सिस्टम से इधर उधर नहीं जा रहा है, सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाल जो है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर से उधर जाए उसको परमिशन ही नहीं देता होगा, इम्परमिएबल है वो, ट्रांसफर होने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होने के लिए उनको रोक देता होगा, नहीं मत जाओ, तुम जिस सिस्टम में हो उसी सिस्टम में रहो, तुमको जाना वाना नहीं है कहीं पर, उसी सिस्टम में रहना है तो रहो, और रहते भी है मॉलिक्यूल क्योंकि इनकी वाल इम्परमिएबल है। तो इनका आप देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबका कांस्टेंट है, तो फिर उसी में रहना है। इससे हमें पता चल गया कि ऐसे इंसेंबल जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल होते हैं, इनके वाल कैसे होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं,
इनको मॉलिक्यूल का परमिशन नहीं मिलता है ट्रांसफर करने का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में, जबकि ये बहुत सारे सिस्टम एक ही इंसेंबल के अंदर होते हैं, क्योंकि हमें पता है इंसेंबल क्या है, इंसेंबल इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, यही होता है। एक अभी बच रहा है, दो हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया, अभी एक बच रहा है, एनर्जी बच रहा है। एनर्जी क्या बता रहा है, एनर्जी सबकी सेम है, एनर्जी ए ए ए ए ए ए सबकी एनर्जी सेम है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ये बता रहा होगा कि जो ये वाल है, वाल ऑफ द इनसेम्बल है, ये जो है ना बेटे, ये बता रहा होगा कि वाल नॉन कंडक्टिंग है। वाल कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। वाल इसका क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। अब अगर वाल नॉन कंडक्टिंग है तो इससे साफ पता चल रहा है हम लोगों को कि तभी इसकी एनर्जी इससे कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। ये पूरा का पूरा हम ऐसे एक वर्ड में कहें कि एनर्जी कॉन्स्टेंट है इस सिस्टम की, एनर्जी क्या है, कॉन्स्टेंट है, एनर्जी कॉन्स्टेंट है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि ये एनर्जी ना तो इनसेंबल में एक सिस्टम से दूसरे में, दूसरे से पहले में, किसी भी सिस्टम में एनर्जी इधर से उधर एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। इससे भी हम कह सकते हैं कि माइक्रो कैनोनिकल इनसेंबल क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है या आइसोलेटेड इनसेंबल है। इसमें कहीं पर भी एनर्जी का और किसी भी चीज का कुछ ट्रांसफरेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम काइंड ऑफ इनसेंबल में पहला जो माइक्रो कैनोनिकल इनसेंबल है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काइंड ऑफ इनसेंबल का दूसरा वाला पार्ट करेंगे, जिसको इस लेक्चर के बाद हम अपलोड कर देंगे, तो उसमें सेकंड इनसेंबल रहेगा, और उसके बाद अलग अलग वीडियो में हम सारे इनसेंबल को बेटे हम कवर करेंगे। अगर एक ही में तीनों काइंड ऑफ इनसेंबल करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा, तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगता है कि इसको अपलोड करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम और टाइम ड्यूरेशन भी होता है, तो मैं काइंड ऑफ इनसेंबल ही पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें मैंने माइक्रो कैनोनिकल इनसेंबल किया, अब दूसरा और तीसरा जो है इसके बाद के एक एक लेक्चर में इसको कवर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।